में होगा अत्याचार, आप देखेंगे सिर्फ समाचार। बड़ी नहर का माइनर टूटने से सैकड़ों किसानों की फसल हुई जलमग्न। विकासखंड पनवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लोलारा निस्वारा में सैकड़ों किसानों की फसल हुई जलमग्न। आपको बता दें कि पहले भी देवी आपदा के कारण किसान पलायन करने को मजबूर है, मगर किसी तरीके से किसानों ने कर्ज लेकर अपने खेतों की बुआई की, मगर सिंचाई विभाग की लापरवाही से लहचोरा डैम से निकली बड़ी नहर का दूसरा माइनर फट जाने से लोलारा एवं निस्वारा उद्वन व बुडेरा गांव के सैकड़ों किसानों राकेश कुमार मोहत, नारायण दास, भवानी शंकर, प्रभुदयाल शुक्लाल, अशोक कुमार, हरिशंकर एवं कालेचरण के खेत जलमग्न हो गए हैं। किसानों ने इसकी शिकायत सिंचाई विभाग उच्च अधिकारियों से कई बार की, मगर इस और किसी का ध्यान नहीं आया। आज नहर का माइनर टूटने से हजारों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने इसकी शिकायत आज दूरभाष पर जिला अधिकारी महोदय से, तो उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने के लिए अधिकारियों को दूरभाष पर सूचना दी। अब देखते हैं कि जिला अधिकारी को सूचना देने पर क्या कार्यवाही होती है। महुआ से जिला संवाददाता संतोष कौशिक की विशेष रिपोर्ट। डेढ़ बोरी खाद उतने तो हमारा खेत है, पूरा खेत सड़ गया, पानी इतना ज्यादा पानी। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहित अरजरिया। आप कहाँ के निवासी हैं? ग्राम लोलारा। अच्छा, तो क्या हुआ आपका? हमारे खेत में पानी भर गया, पूरा खेत सड़ गया। अच्छा अच्छा, बुवाई हो गई थी क्या? हाँ जी, गेहूँ हमने गेहूँ बे दिया था उसमें। अच्छा अच्छा, कितने बीघा है आपका? वही है, 3 बीघा का खेत है, उतना ही हमारा खेत है। आपका कौन उनके नाम? चाचा आपका नाम क्या है? बजेंद्र कुमार सोनकिया। आप कहाँ? उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन से है। ये पानी जो बम्बा नहर टूटी है, हाँ, इसका क्या है? ये जो है 20 साल से ऐसी पानी बह रहा है, हमारे इस तरफ के 50 एकड़ जमीन से ऊपर बो नहीं पाते हैं, बो देते तो सड़ जाती है। नहीं तो इसकी शिकायत की आपने? हमने शिकायत कई बार अधिकारियों से की है, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई। अच्छा। ये इसका मेन कारण है कि इसकी कैपेसिटी 3 फुट है और वहाँ से 5 फुट के लगभग आता है, ना गेट है ना पट्टी है। और सरकार अधिकारियों से मैंने बार बार रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जो है गेट और पट्टी बनवाई जाए, लेकिन कोई नहीं सुनवाई नहीं होती है। और इस बार से देख लो कि अभी आपके सामने पूरी फसल बुवाई चढ़ गई। लगभग कितने एकड़ जमीन खराब हो गई है इस समय? पे 50 एकड़ से तो कम है नहीं, और आगे की 100 एकड़ से ज्यादा सड़ने वाली है, वो बुवेगी नहीं बिल्कुल। तो इसके लिए अभी आप लोगों ने शिकायत की है? मैंने अभी लेखपाल को भी शिकायत की है। क्या बोल रहे थे वो? वो कह रहे थे हम तहसीलदार, उन्होंने बताया कि तहसीलदार को तो हमने कहा है, वो बंद करा रहे हैं। और अन्य पशुओं के संबंध में 17 सितंबर से मैंने 176 पर शिकायत की है, तो हर बार रिपोर्ट झूठी रिपोर्ट पहुंच जाती है, काम चल रहा है। माइनर टूटा है, इसकी शिकायत आप लोगों ने? जी, हम जब यहाँ से खुदाई चल रही थी तब जो हिसाब से हमने उसको बोला था कि ये पानी इसमें बहुत ओवर आता है, तो अगर आप नहर से जो पानी जहाँ से आता है उसकी वहाँ पट्टी अच्छी कुछ बनवा लें तो इसमें नुकसान नहीं हुआ हम लोगों का। वो बोल रहे थे यस, लेकिन आज तक उनमें कुछ नहीं है। जो ये आज कब टूटा है ये माइनर? ये जब से पानी आया तभी से सर बह रहा है। अच्छा अच्छा, आधे बुक चुके थे, बुवे हुआ है सड़ गए, और जो रह गए वो बुब नहीं पा रहे पानी की वजह से। अब बोलने से मतलब ही क्या बनता है, सड़ जाएंगे सब। इसमें आप लोगों ने ग्राम प्रधान को बोला? इसमें प्रधान जी को हमने ही कहा है, लेकिन प्रधान सुनते ही नहीं है। वो क्या किया जाए, हमने अभी फिलहाल में नहीं कहा है उनसे इस बारे में। लेखपाल को जरूर फोन से अवगत कराया। तो क्या कह रहे थे? अब लेखपाल साहब ने आश्वासन दिया है।